कुमार सैनी, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर एंड कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर और कैलकुलस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमने जो फंडामेंटल फिजिक्स है उसका स्टार्टिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यूनिट एंड डायमेंशन का, और उसके लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए और जो लिंक है उसको ओपन कीजिए और जो फर्स्ट के जो दोनों लेक्चर हैं उनको देखिए, उसमें आपके यूनिट एंड डायमेंशन के एमसीक्यू टाइप्स की ऑल प्रॉब्लम्स हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप आइए इस वीडियो को देखना, वेक्टर एंड कैलकुलस को। फिजिक्स के अंदर हम लोग जनरली टू टाइप्स क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सेकेंड है वो वैक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वे क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए ओनली उनके मैग्नीट्यूड और उनकी यूनिट्स की नीड होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए खाली परिमाण और उनके मात्रक की जो आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना है, 5 kg है। ठीक है, तो इसको डिनोट करने के जो यहाँ पे जो 5 है वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट, और जो केजी है वो उसकी क्या है, यूनिट है। तो इसको डिनोट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट की ही नीड है। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन और देख लेते हैं, दूरी में देख लो आप, जैसे कि 10 किलोमीटर, ठीक है, तो 10 यहां पे क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, किलोमीटर क्या है, इसकी यूनिट हो गई। तो ओनली डिनोट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट ही नीड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसका क्या हो गया, इसको द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दूरी होगी, त्वरण हो गया, तो ये इसकी क्या है, ये अपनी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसको वर्क हो गया, जितना वर्क डन होता है, कार्य हो गया, ये इसकी क्या है, अदिश राशियां हैं। सेकंड की बात करता हूं कि अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ को मेजरमेंट डिनोट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी नीड होती है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, सीकर से जयपुर जाना है, सीकर से कहां जाना है, जयपुर जाना है, हमें बोल दिया जाए कि सीकर से आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन यह नहीं बताया जाए कि किस दिशा में जाना है, उसकी दिशा नहीं डिनोट की जाए, तो क्या हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि भैया हमें सीकर से जयपुर जाना है तो हम लोग किधर भी निकल सकते हैं, इधर 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 और जयपुर किधर है, इधर। जब तक हमें डायरेक्शन का पता नहीं होगा, जब तक हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होंगे, तो क्या हम लोग इस जगह पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते ना। तो वे भौतिक राशियां जिनको डिनोट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो वेक्टर है उसको हम लोग डिनोट कैसे करें, प्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी भौतिक राशि को। जैसे मैं आपको बोल लूं कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो 5 न्यूटन का बल है वो किस जो एक्स अक्ष है उससे 45 डिग्री ईस्ट में लग रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, ये कोई भी सिस्टम हो गया। ठीक है, ये इसमें बोल रहा है कि इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन वो कहां लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, और वो भी कहां से, एक्स अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि इसमें क्या करना होता है, हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है, इसके ओरिजिन को हम लोग इनिशियल पॉइंट मान के चलते हैं, फिर हमें इसके एक एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है, किसी भी वेक्टर को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, एक एरो के थ्रू। ठीक है, इसमें इस एरो के अंदर जो इसका जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और जिसका जो फाइनल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से, जैसे कोई भी वेक्टर ए है, वेक्टर ए को डिनोट करने के लिए ए के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, एरो का साइन लगा दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको ज्यादा डार्क वर्ड में वो कर दिया जाता है, ठीक है, डार्क साइड में इसको डिनोट कर दिया जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए मतलब उसके जो भी वेक्टर है उसके ऊपर एरो का मार्क लगाया जाता है। अगर इस सिस्टम के अंदर हमें 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी एक्स अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पहले कोऑर्डिनेट फिक्स करना होगा, फिर ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट को एक एरो के द्वारा उसको क्या करना होगा,
उसको कनेक्ट करना होगा और फिर जो एक्स अक्ष है उसके साथ 45 डिग्री का जो एंगल बना रहा है उसे डिनोट करना होगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वेक्टर को किसी भी सिस्टम में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप का वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं अपन लोग अक्षीय सदिश होता है। ठीक है, अक्षीय सदिश हो गया। अक्षीय सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसकी दिशा गति की दिशा में हो तो वो कैसा सदिश हो गया, अक्षीय सदिश हो गया। एक होता है घूर्णन सदिश, ठीक है, एक होता है घूर्णन सदिश, रोटेशनल वेक्टर। रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, जैसे ये कोई टायर है, पहिया है ये किसी भी गाड़ी का, ठीक है, और अगर इसके जो इस जैसे ये आगे क्या करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन है वो अगर इसकी जो मूवमेंट है उसी के डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो इस ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, उसका रोटेशनल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो घूर्णन सदिश हो गया। और कितने टाइप, जैसे कोई वेक्टर है उसका परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, उसकी डायरेक्शन क्या है अगर चेंज है, ओपोजिट डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, राइट, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। तो ऐसा जो वेक्टर होगा उसे कौन सा वेक्टर बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, और कोई सदिश ए है, एक सदिश बी है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनका परिमाण क्या है, इक्वल है, और इनकी डायरेक्शन भी इक्वल है, तो ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। ठीक है, एक दो या दो से अधिक सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जिनका इनिशियल सदिश, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, एक हो, ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे, इनको एकल सदिश, सिंगल पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट वेक्टर बोलेंगे, राइट। और अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो वेक्टर है उसमें अगर कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, अगर उनके बीच में हमें एंगल डिनोट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसको अभी हमारा डिनोटेशन चल रहा है वेक्टर्स का और वेक्टर्स के टाइप्स में चल रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो जैसे मान के चलो एक वेक्टर है हमारे पास ये ए, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास बी, इनको हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है, इस वेक्टर ए की टेल से इस वेक्टर बी की टेल को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होंगे, इन दोनों के बीच में देखो अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ अगर और इसको आगे इंक्रीज करते हैं तो ये भी वेक्टर ए ही है भाई, हमें पता थोड़ी ना है कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पे दो प्रकार के एंगल बनते, एक ये थीटा वन, एक ये थीटा टू। हमें अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है तो वह एंगल देखना है, वो एंगल देखना है जो न्यूनतम हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू किससे कम हो, 90 डिग्री से कम हो। अब इनमें देखो ये होगा, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री ज्यादा, तो हमें कौन सा एंगल लेना होगा, थीटा वन। ठीक है, तो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा उसका जो डिनोटेशन होगा वो क्या होगा, थीटा वन। तो ए और बी के बीच के कोण को इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे का जो दो पॉइंट होगा हमारा, इसका इसके जो पॉइंट अपने क्या चल रहे थे, वेक्टर का टाइप्स चल रहा था, राइट। बात करते हैं कि कोई भी वेक्टर हो गया, ठीक है, जिसका परिमाण शून्य है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन दे रखी है, क्या हम लोग अगर देखें कि जनरल फॉर्म में उसका एग्जिस्टेंस है, क्या उसका अस्तित्व होगा, नहीं। अगर जनरल फॉर्म में देखें, अगर व्यवहारिक रूप में देखा तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिनकी डायरेक्शन हो तो ऐसे सदिश को शून्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, और वैसे जनरल फॉर्म इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दूसरे टाइप की बात करते हैं, इकाई सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन, और उसकी साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, वन, तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे।
ठीक है, जनरली फॉर्म अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, और अगर हम लोग देखें कि सेम डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो वो समरेखीय सदिश हो गए, समांतर सदिश हो गया। ठीक है, अगर जैसे दो वेक्टर मान के चलो, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है साहब, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है वो सेम है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, समांतर सदिश बोलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, अपना ऑलमोस्ट जो वेक्टर्स के टाइप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर हमें वेक्टर को अगर डिनोट करना है तो, और वो भी यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं सिस्टम में किस टाइप से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। टू डी के अंदर जैसे हमें इसको डिनोट करना है वेक्टर को, और ये अपना क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, एक्स को क्या बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे जे। टू डी के अंदर हमें डिनोट करना है, यहाँ पे अपना कोई क्या है वेक्टर है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अभी मैंने बताया डिनोटेशन में कि उसका सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर पी है साहब, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम लोग इस सिस्टम के अंदर, यहां से यहां तक ए राइट, और यहां से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कितना था डी, तो इसके जनरल फॉर्म में क्या हो गए कोऑर्डिनेट ए और बी हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ओरिजिन से इस पॉइंट को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यह हमारा वेक्टर पी है। अब वेक्टर पी को डिनोट करना है टू डी के अंदर, तो ये कैसे हो जाएगा, ए विथ डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा ए आई प्लस, क्योंकि होता क्या है, अभी हम लोग एडिशन रूल पढ़ेंगे ना, उसमें समझ में आएगी कि जो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे एडिशन का, तो उसमें समझ में आएगा कि जो पी वेक्टर है वो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए आई टक आई कैप प्लस बी जे कैप, इसके द्वारा हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ऐसे ही बात कर लेते जैसे अगर हमें 3D के अंदर डिनोट करना है, 3D के अंदर कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, 3D के अंदर देख लो, ये इसका जैसे Z हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया। ठीक है, अब हमें कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे है P, ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं अपन लोग जैसे ए बी और सी, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये इसको ओरिजिन से मिला दिया। अब अगर इसको डिनोट करना है तो इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे, सेम इसी टाइप से, जैसे 2D में था तो 3D में कैसे हो जाएगा, वेक्टर पी इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, 3D के अंदर डिनोटेशन हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये कोई सिस्टम है, ये अपना कोई सिस्टम है साहब, एक्स कैप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें अपन लोग एक वेक्टर लेके चल रहे हैं ए। ठीक, अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग इस सिस्टम को रोटेट करवाएं किसी भी एंगल से लेके, जैसे इसको ये था ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है, ओरिजिन इसका पहले यहां था फिर यहां आ गया, ये बन गया एक्स ये बन गया वाई, तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर हम लोग सिस्टम को रोटेट करवा दें किसी भी एंगल से तो क्या इस वेक्टर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि इसके जो डिनोटेशन के जो पॉइंट है वो चेंज हो सकते हैं, बाकी इस वेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिस्टम को रोटेट करने से वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जो कोई भी सदिश है, अब हम देखेंगे कि सदिशों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, सदिशों का योग
और घटाना, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एडिशन एंड सब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं, सदिशों का जो योग नियम चलता है उसमें कौन कौन से नियम चलते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, त्रिभुज नियम हो गया, इसका बहुभुज नियम हो गया जो कि त्रिभुज नियम पर बेस्ड है, तीसरे इसका समांतर चतुर्भुज नियम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज नियम क्या होता है। कोई भी दो वेक्टर है उनको हमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करते हैं, देखो ये वेक्टर ए, ये इसकी टेल हो गई, दूसरे दूसरा जो क्या होता है इसका, इसकी जो हेड है ना, इसके पास इसके किसको लेके आ जाओ, इसकी टेल को लेके आ जाओ, ठीक है, ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब हम इनको ऐड करना है, तो इसका जो टेल, इसकी टेल और इसकी हेड को जो कनेक्ट करेगा वो जो वेक्टर होगा सी, वो इन दोनों के क्या होगा, एडिशन के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का योग होगा। जो वेक्टर सी होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डिनोट करेगा, मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो वेक्टर सी होगा, ठीक है। और ये हमेशा एक सर्कुलर उसमें चलेंगे, इनिशियल पॉइंट से होते हुए वापस अगर फाइनल पॉइंट आएगा वो वहीं पे आएगा, ठीक है। जैसे यहां से चला, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट, फिर इसका इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट, फिर इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो वेक्टर सी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका बहुभुज नियम क्या होता है। त्रिभुज नियम समझ में आ गया, बहुभुज नियम की बात करते हैं। जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला वेक्टर ये चला ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर चला आपके पास ये बी, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन देखोगे तो वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी अपने पास क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहां से ये वेक्टर चलता है आगे वेक्टर डी। अब ये जो वेक्टर आगे चला जैसे मान लो, और इसके बाद में ये वेक्टर चलता है यहां से, और इसके बाद में ये वेक्टर चलता है यहां पे, ठीक है। अब ये वेक्टर, इसको मान के चलो वेक्टर ई, इसको वेक्टर मान के चलो बी, और ये अपना जैसे अब ये चल ही रहा था, इनको पॉइंट मान लो ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। अगर इसको देखेंगे तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये इसके विपरीत दिशा में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, मतलब क्या हो गया, इसमें एडिशन आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी। अब इसका देखोगे तो इनका एडिशन होगा विपरीत दिशा में, ये होगा, मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का योग ये होगा। तो ये जो वेक्टर निकल के आएगा अपने पास, ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आपका क्या हो गया डी, और प्लस में वेक्टर ई। ये फाइनल जो एडिशन निकल के आएगा वो किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, वेक्टर एफ के थ्रू। तो ये जो रूल होता है इसे क्या कहते हैं, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम ये किसका एक्सपॉन्ड फॉर्म होता है, किसका बढ़ा हुआ रूप है, त्रिभुज नियम का ही, क्योंकि त्रिभुज नियम में अपन लोग दो वेक्टर होते हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, इसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगला जो रूल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो ये अपना क्या था, समांतर चतुर्भुज। जैसे दो अपने पास वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर ये चला ए, एक वेक्टर चल रहा है साहब ये, इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। क्या कर लो आप, वेक्टर ए है उसी के अकॉर्डिंग एक पैरेलल और ले लो, और वेक्टर बी के अकॉर्डिंग एक पैरेलल ले लो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या जाएगा, जैसे ये पॉइंट मान के चलो आप, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब समांतर चतुर्भुज का जो रूल चलता है वो कैसे चलता है, इन दोनों के पैरेलल ले लिया, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ए ही है,
ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का जो योग देखना है तो आप कैसे देखोगे? यस सर, ठीक है, त्रिभुज फॉर्मूला लगेगा, लगना इनमें भी त्रिभुज फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो इसको भी कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया क्या सी के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो ये इसका कौन सा हो गया, समांतर चतुर्भुज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके सबस्ट्रक्शन फॉर्म की। सबस्ट्रक्शन फॉर्म कि भाई जो एडिशन फॉर्म देखिए, अब सबस्ट्रक्शन फॉर्म देख लो, वेक्टर ए ठीक है वेक्टर बी के साथ में कौन बना रहा है, थीटा। ये पॉजिटिव बी वेक्टर ए के साथ में कौन बना रहा है, थीटा। अगर मैं बोल दूं इसकी डायरेक्शन इधर ना हो के इधर है, ठीक है, अब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, या इसको ऐसे ना देख के ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। डायरेक्शन चेंज हो गई ना भाई, अब ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, तो अभी भी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का जो एडिशन होगा वो होगा कैसे चलेगा, ऐसे कर तो एडिशन ही रहे ना, डायरेक्शन चेंज होगी तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये इससे निकल के क्या आ जाएगा, तो ए बी माइनस बी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म होगी। अब बात करते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, वेक्टर का गुणन देखते हैं, जो भी वेक्टर का गुणन होगा, सदिश का गुणन, सदिश का गुणन जो भी दो या दो से अधिक सदिश हो या दो सदिश हो उनका गुणन है, वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदिश गुणन हो सकता है जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक इनका वेक्टर गुणन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जिनको हम लोग सदिश गुणनफल बोलते हैं, जिनको हम लोग क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला चलता है वो चलता है सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिश हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों का अदिश गुणन देखना है, इन दोनों का अदिश गुणन होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, उसकी कोज्या को ही, उसकी कोज्या के मल्टीपल को वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के जो एंगल है उसकी कोज्या के गुणनफल को ही सदिशों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि एक चीज बताओ तुम मुझे, ये ए है, इसका अगर हम लोग इसको घटक में देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में देखें तो ये इसका एक cos थीटा इसके लिए, तो और इसके लिए इसको देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। ठीक है, इसकी दिशा में इसका छत्तीस घटक, इसकी दिशा में इसका छत्तीस घटक। ठीक है, ऐसे डिनोट। अब बात बताओ मेरे को, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, भाई या तो इसको आप कैसे लिख दो, ए बी cos थीटा, या फिर इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, ए cos थीटा बी, कोई इफेक्ट नहीं है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब हम लोग अगर देखें कि सदिश ए का, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप देखें, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप देखेंगे तो जिसकी दिशा में प्रक्षेप देखते हैं ना उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ए का देखना है बी की दिशा में, तो ए डॉट बी अपॉन बी cos थीटा, अगर बी का देखना है ए की दिशा में तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बेटा ए cos थीटा। ठीक है,
एक का बी की दिशा में प्रक्षेप, बी का ए की दिशा में प्रक्षेप, जिसकी दिशा में देख रहे हो उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल की कोज्या का डिवाइडेशन उसके ए डॉट पी में लग जाएगा, तो इसकी दिशा में क्या आ जाएगा, आ जाएगा इसका प्रक्षेप निकाला जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये क्या क्या करता है। देखो ए और बी है, ये क्या आता है ए बी कोस थीटा, आप बी डॉट ए कर लो तो भी क्या आएगा ए बी ए कोस थीटा, आना इक्वली है ठीक है। तो ये किस रूल का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल बी डॉट, ये क्या होता है इक्वल होता है। दूसरा ये साचरी नियम का पालन भी करता है, जैसे ए डॉट बी, जैसे इसको आप ऐसे कर लो ए ठीक है डॉट बी प्लस सी, ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी ठीक है प्लस ए डॉट सी के, मतलब कोई बोल नहीं है, बंटन का नियम का पालन हो रहा है ठीक है। एक देखो ये कौन सा, ये क्रम विनिमय, ऐसे करते ए डॉट बी डॉट सी, ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी डॉट डॉट सी, ये इसका साचर्य नियम हो गया, ये इसका बंटनता नियम हो गया, ये इसका क्रम विनिमय नियम हो गया। जो सदिशों का अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का, साचर्य नियम का और बंटनता नियम का पालन करता है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ए डॉट बी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है ए बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो कब होगी ठीक है, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम किस केस में होगी, अगर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए वन हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये कोस थीटा की वैल्यू मतलब कब वन होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी जीरो डिग्री ठीक है। जीरो डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया जीरो डिग्री, मतलब क्या हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर है, समांतर सदिश है, इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम उसी स्थिति में होगा जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इनकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी भाई कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास जीरो आ जाए, जीरो कब आ जाएगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी, और 90 किस केस में होगी मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगे, मतलब लंबवत होगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा इनका जो अदिश गुणनफल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी मिनिमम ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी ठीक है। अब बात करते हैं सदिशों के गुणन का, सदिशों का सदिश गुणन, दो कोई भी जो वेक्टर हैं उनका सदिश गुणन ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका अगर हमें सदिश गुणन देखना है तो वो कैसे देखेंगे, सदिश गुणन की बात हो रही है तो इसमें डायरेक्शन की भी बात होगी, सिंपल सी बात है डायरेक्शन मैटर करेगी राइट। इनका जो सदिश गुणन होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का वो क्या होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा उसकी साइन या उसकी उसके उसका जो साइन थीटा होगा उसके मल्टीपल के इक्वल होगा ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। अब इसके साथ साथ में इसका एन वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है ये यहां पे क्या डिनोट करता है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ए बी साइन थीटा, इसकी जो डायरेक्शन होगी
वो इन दोनों वेक्टर के मल्टीपल की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, इनके लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, ये जो n कैप है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि a क्रॉस b का जो प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो a और b के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। चाहे भले ही ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a क्रॉस b बटा ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये किसको? डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी की, भी क्या क्या प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है, इसके गुणधर्म की बात कर लो, सदिशों के वेक्टर के गुणधर्म की। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। अगर मैं वेक्टर माइनस बी की बात करता हूं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, तो एंगल कितना बन के निकल के आता है, राइट? और साइन में अगर जाएगा 180, ठीक है, इसका 180 डिग्री बन के आता है। ये किस में आ गया? माइनस बी में। तो जाहिर सी बात है ये चेंज, इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। मतलब क्या हो गया? ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, पहला तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, दूसरा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है, इंटू वेक्टर सी। ठीक है, क्या इस नियम का पालन करेगा? क्या क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है? तो ये चीजें, ये बात हो रही थी कि क्या ये इस बंटन नियम का पालन करता है? जी नहीं, ये इसका आपके साचर्य नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तीसरा नियम था अपना बंटनता का नियम, ए क्रॉस बी प्लस सी, और इसको इस तरीके से लिख दो, ए क्रॉस बी प्लस सी, वो इसको आप ऐसे कर लो, ए प्लस बी क्रॉस सी। तो क्या ये इस रूल का पालन करता है? जी हाँ, ये करता है, ये बंटनता रूल का पालन करता है। जो सदिश मल्टीपल हो रहा है, क्रॉस मल्टीपल है, उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ये साचर्य नियम का पालन नहीं करता, ये बंटनता नियम का पालन करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी के ए क्रॉस बी जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब हमें बात करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। कोई भी दो वेक्टर है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में आएगा? जब एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ही इनकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसकी वैल्यू 0 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों वैक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 मिनिमम आएगी। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मतलब अधिकतम आएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इसको अगर मात्रक के रूप, इकाई मात्रक के रूप, इकाई सदिश के रूप में हम लोग अगर इसको देखते हैं, इसको जैसे 3D या 2D के अंदर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, कैसे आएगा? आई जे के, आई और जे, आई क्रॉस जे,
कितना एंगल कितना बन रहा है 90 ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब ये कैसे आएगा, ऐसे चलेगा ये ठीक है। तो निकल के क्या आने वाला है कि इन दोनों के मल्टीपल से इन भाई जो ये क्या बोल रहा है, वेक्टर आई और वेक्टर जे के जो परपेंडिकुलर आएगा ना वही इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो आई और जे के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर के, तो आ गया इक्वल। दूसरा है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के निकल के क्या आएगा आई। फिर बात करते हैं के क्रॉस आई, इसके इक्वल क्या हो जाएगा जे। अगर हम लोग बात करें वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई कितनी वैल्यू आएगी, जीरो, क्योंकि आई इंटू आई, आई स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मल्टीपल हो ही जाएगा, साइन थीटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वेक्टर इसका वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आई के साथ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। जे का जे के साथ करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। के का के साथ करेंगे तो क्या आएगी, जीरो, ठीक है। यही बात अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में करते, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर करते तो वहां पे क्या हो रहा था, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ क्या आएगा, इसका वन आएगा। अगर जे के साथ जे का करेंगे तो वन आएगा, के का के साथ करेंगे तो वन आएगा। अगर इनका जैसे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अगर जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू जीरो, के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू जीरो। ये किस में, ये वैल्यू किस में चल रही है, अदिश गुणन में। सदिश गुणन में क्या चल रही थी, अभी जो बताया वो, ठीक है। तो ये सदिश गुणन और अदिश गुणन की प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं कि विस्थापन सदिश क्या होता है, इस टॉपिक का लास्ट, इस पॉइंट का लास्ट टॉपिक बच रहा है, विस्थापन सदिश, ठीक है। विस्थापन सदिश क्या होता है, कोई भी जो वेक्टर है उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने पर जो उसकी जो पोजीशन जो चेंज हो रही है, उसकी जो स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, वो ही क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे कि या इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका फाइनल पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका ओ पॉइंट है, ओरिजिन पे इसके पॉइंट क्या क्या हो गए, जीरो जीरो। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, मान लो इसके कोऑर्डिनेट ए बी और सी। ये वेक्टर है ओ, ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए। ये एरो है, ये इसी को डिनोट करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट। क्यों, क्योंकि आप निकालो ए में से, ऐसे ऐसे करोगे, यही तो करोगे ना, दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ऐसे प्लस बी माइनस जीरो जे प्लस सी माइनस जीरो के, तो निकल के क्या आएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो वेक्टर को लेके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे इसी के एमसीक्यू टाइप्स प्रॉब्लम्स को लेके, और जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है कैलकुलस, उसको आगे के पार्ट में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों जो भी चीजें अभी इस टॉपिक को देखने के बाद में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी पूछ सकते हैं, VCI सीकर के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका जो PDF है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.